अगर आपने KVS का एग्जाम दिया है तो आज आपके दिल की धड़कन जरूर बढ़ गई होगी। जी हाँ साथियों, मैं KVS के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ हरबीर सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, हम बात करने वाले हैं KVS के बारे में। KVS में आज आंसर कीज आई हैं और इन आंसर कीज ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जो अपने मार्क्स की एक अच्छी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनके मार्क्स काफ़ी कम बैठ रहे हैं आंसर की से। इसका मतलब है KVS के और आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तो साथियों, सभी से कहना चाहता हूं कि आप टेंशन ना लें। इसके बाद हम बात करते हैं आंसर की के बारे में। तो आंसर की आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूं, अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो बड़े ही प्यार से आराम से देख सकते हैं। आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ऊपर सेलेक्ट करना है कि आपका एग्जाम कौन सा था। इसके बाद अपना रोल नंबर वहां पे डालना है और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे डालनी है। आप इसके बाद लॉगिन कर सकते हैं और आराम से आपकी जो आंसर कीज हैं या जिन्हें आप चैलेंज करना चाहते हैं आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथियों, जो आज आंसर कीज आई हैं वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है वो कैंडिडेट्स के लिए, और इससे काफ़ी मार्क्स कम होते दिख रहे हैं कैंडिडेट्स के। जो 100 की उम्मीद लगाए बैठे थे उनके मार्क्स 90 से भी कम आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है आज। और आप भी अपने व्यू ज़रूर बताएं कि आंसर की जो आई है आपके कितने कम हुए हैं, क्या चीज़ है जिस पर हम आगे बात करेंगे। और काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ पे हम ऑनलाइन सर्वे करवाएंगे और ऑनेस्टली आप लोगों को वोट करना होगा कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। इसके बाद हम उसके बाद आपको रिजल्ट बता देंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी जो भी है आप अपने व्यूज़ बताएं कि आपके कितने कम मार्क्स हुए हैं या कितने मार्क्स आपके आने की उम्मीद थी पहले और अब कितने मार्क्स आए हैं। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप आंसर कीज डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपने आंसर कीज डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ आई होंगी, और जिन साथियों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या जिनके अब आंसर कम बैठ रहे हैं, हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, तो मायूस ना हो, आगे और एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी करें। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।